नमस्कार, सियासी चौक में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत पारीक और मेरे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार विजय विद्रोही। और एक बार फिर से हम राजस्थान की पॉलिटिकल खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे। खबर ये कि सचिन पायलट की जो भूमिका तय हुई है, क्या उसमें कहीं कोई पेच फंसा है? जयपुर आते आते सचिन पायलट वापस दिल्ली क्यों लौट गए, एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस की तर्ज पर अब भारतीय जनता पार्टी में भी सीएम पद की जो रेस है उसकी दौड़ शुरू होगी। किस तौर पर, किस रूप में, उस पर बात करेंगे। और बात इस पर करेंगे कि मोदी का डबल इंजन की सरकार का जो नारा है उसके जवाब में अशोक गहलोत क्या फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। विजय जी, सचिन पायलट के लिए महासचिव का पद केंद्र में ये कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, CWC में उन्हें मेंबर बनाया जाएगा। पहले तो ऐसा होता है तो राजस्थान में क्या उनका दखल रह पाएगा? वो राजस्थान से दूर नहीं रहना चाहते और आज वो जयपुर आ रहे थे, फोन आया वापस दिल्ली लौट गए, कहीं कोई पेच फंसा हुआ है? अब देखिए, वो वापस क्यों लौटे ये तो बड़ा रहस्यमय है और जब तक हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं हो कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है कोई व्यक्तिगत कारण से लौटे हों, परिवार उनका वहीं रहता है दिल्ली में ही, और या फिर अगर कोई खटास है तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसको हम इसी रूप में जोड़ के दे सकते हैं कि आज ही इस तरह की बात छपी है कि अब उनको महासचिव का पद दिया जाएगा CWC में, उसके नाते वो मेंबर अब स्वतः ही बन जाएंगे और साथ ही साथ राजस्थान में भी उनकी जिम्मेदारी रहेगी, हिस्सेदारी रहेगी प्रचार के लिए, वो उनको मौका दिया जाएगा। और प्लस उनके 40 से लेके 45 समर्थक जो प्रभाव, जो सीटों पर प्रभाव है, वो सीटें दी जाएंगी कि उसमें अपने समर्थकों को वो चयन करवा सकें, चयन तो, करवा सकें उनके लिए फिर चुनाव जिताने के लिए मशक्कत भी। हाँ, मशक्कत तो स्वाभाविक है, मशक्कत तो 200 सीटों के लिए ही करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी कि जिनको टिकट दिलाया वो अगर वो उनको जिता के लाएँ वो, और आगे जाके मुख्यमंत्री पद की रेस में अगर वो शामिल हुए तो यही लोग काम आएंगे। तो 200 में से 45-50 करीब करीब चौथाई 25%, तो मुझे लगता है ये तो कोई नाराजगी का विषय नहीं होना चाहिए। कहाँ तो बताया जा रहा था कि उनको एक एक सीट के लिए तरसा दिया जाएगा, उनके एक एक समर्थक को तरसा दिया जाएगा, और कहाँ उनको चौथाई। आखिर भाई एक हिस्सा आला कमान का भी होगा, एक हिस्सा गहलोत का होगा, बड़ा हिस्सा गहलोत का होगा, डोटासरा का होगा, डोटासरा और गहलोत का समझ लो मिला जुला हिस्सा, रंधावा भी हैं, पार्टी CP जोशी हैं, बाहु जितेंद्र सिंह बड़े नाम, रघु शर्मा, मैं उन सबको मैं आलाकमान के हिस्से में डाल रहा हूँ मान लो, तो उस हिस्से में भी थोड़ा सा हिस्सा सचिन पायलट को मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई। लेकिन वो महासचिव बनते हैं, क्या राजस्थान में उतना दखल हो पाएगा? इसे हस्तक्षेप तो नहीं माना जाएगा किसी के, अगर प्रभारी हो, PCC चीफ हो या CM का जो एरिया है, जो क्राइटेरिया है उसमें? देखिए, आमतौर पर किसी राज्य में कांग्रेस हो या BJP प्रभारी महासचिव नियुक्त करती है या चुनाव प्रभारी नियुक्त करती है, तो वो उस स्टेट का नहीं होता, दूसरी स्टेट का होता है। जैसे रंधावा यहाँ है तो राजस्थान के नहीं है, पहले अजय माकन थे तो वो राजस्थान के नहीं थे, उससे पहले अविनाश पांडे थे वो राजस्थान के नहीं थे। वो इसलिए होता है क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है, तो इसलिए फिर आप ये स्वाभाविक तौर पर कि आप जिस राज्य के हैं वही उसी के राज्य के आप प्रभारी महासचिव हो गए तो फिर अपने लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, तो मोटे तौर पर उस ढंग से तो नहीं, इसलिए बाहर का रहता है। अब सचिन महासचिव बनते हैं और बाहर चले जाते हैं इस रूप में टेक्निकली, तो फिर अगर वो राजस्थान की राजनीति में ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो फिर वो रंधावा के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण होगा, वो उस रूप में माना जाएगा और थोड़ा सा गतिरोध पैदा हो सकता है। क्यों फिर रंधावा भी ये नहीं चाहेंगे, सचिन पायलट भी नहीं चाहेंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब PTI को दिए इंटरव्यू में सचिन पायलट साफ साफ कह चुके हैं कि वो राजस्थान में ही बने रहना चाहते हैं और राजस्थान से बाहर नहीं जाना चाहते, और महासचिव का पद का ऑफर तो पुराना है, हम ही लोग कम से कम सियासी चौक में शायद कई बार इस बारे में बात कर चुके, तो आखिर ये चीजें अखबार में जो छपी हैं क्या प्लांटेड हैं या किस रूप में हैं, ये थोड़ा सा जब तक कि हमें पूरी तथ्यों की जानकारी। महासचिव वो बने, लेकिन अगर संगठन की लिस्ट को हम देखें तो 217 के आसपास पदाधिकारी हैं, उनमें बताया जा रहा है कि 22 से 25 के आसपास जो है पायलट का है, ये आंकड़ा आप सेटिस्फाइड मानते हैं कि पायलट के लिए ठीक है? देखिए, जब इस तरह की जो वर्किंग एक कमेटी टाइप बनती है राज्य को लेकर, तो जितने राज्य के
प्रभावशाली नेता होते हैं या पदाधिकारी होते हैं, जो पद से मतलब मंत्री पद मिला हुआ है, मंत्रिमंडल में शामिल हैं या फिर संगठन में कोई बड़ा पद है, महासचिव है, माफ कीजिएगा, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ट्रेजरार हैं, इस तरह के, तो उनके स्पीकर हो गए, सचेतक हो गए, तो उन सब के हिस्से में कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, तो उसके हिसाब से अगर 10-12% 217 का 25 10% से ज़्यादा हो गया, अगर 12-13% सचिन पायलट के हिस्से में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर सुलह पहले हो गई होती, सम्मानजनक है, हाँ सम्मानजनक है, अगर सुलह पहले हो गई होती तो 23 की जगह 46 भी हो सकते थे, हो सकता है, कायदे से ये कह सकते हैं। लेकिन अब सचिन पायलट के समर्थकों को तो लगेगा कि सिर्फ इतने दिए, लेकिन आप औरों को भी जोड़ना शुरू किए तो डोटासरा के हिस्से में कितनी चीज़ें आ रही होंगी, जबकि वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। नहीं, उनके समर्थक भी बने हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर कहें रोल तो सीएम अशोक गहलोत का, सीपी जोशी की टीम भी इसमें दिखती है, डोटासरा का एक समर्थकों का बड़ा तबका है इसमें, और चूंकि वो अध्यक्ष हैं, फीडबैक तो उनके यहीं से गया पूरा। अध्यक्ष के नाते तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा। बिल्कुल। और अब आप अगर सचिन पायलट के समर्थक ये कह के मन को तसल्ली देते हैं, दे सकते हैं कि 100 से ज्यादा विधायक हैं, सचिन पायलट भी उन विधायकों में से एक हैं टेक्निकल रूप से, और कायदे से देखा जाए तो बहुत कुछ मिला है। हाँ, तो एक विधायक के नाते टोंक के विधायक को 23-24 पद, लेकिन समर्थक केवल उन्हें जो है विधायक नहीं मानते, वो भावी मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, और तो वो रेस में है ना, रेस में है, बताता है इससे। और कोशिश ये भी की गई है कि जहां जहां प्रभावी नेता हैं, शांति धारीवाल जैसे कोटा में अपना जिलाध्यक्ष बनाने में त्यागी को कामयाब रहे, उनके बेटे को भी जगह दी गई है, कई विधायकों को एडजस्ट किया गया, पायलट के कुछ लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है, तो एक कोशिश है पूरी बैलेंस बनाने की। लेकिन जिलाध्यक्ष में महिलाओं को नहीं लेना, ये एक सवाल तो खड़ा करता है कि एक भी महिला जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए, जबकि आप उदयपुर का जो शिविर आपका हुआ था उसमें महिलाओं को, युवाओं को भागीदारी देने पर बड़ी बड़ी बातें हुई थी। बिल्कुल, अगर उदयपुर चिंतन शिविर के हिसाब से चला जाए तो जिलाध्यक्षों में से 50% हिस्सेदारी युवाओं के हिस्से में आनी थी, 50 साल से कम, और उसमें से एक ठीक ठाक तबका महिलाओं का भी होना चाहिए था। और क्या कांग्रेस ये नहीं समझती कि राजस्थान में किसी भी ज़िले में कोई एक महिला ऐसी नहीं है जो वहाँ की अगुवाई कर सके? हो सकता है कि उसमें एक व्यक्ति दो पद का सिद्धांत खिलाफ गया हो, कि कहीं से मान लीजिए कोई मंत्री है कोई महिला किसी ज़िले से, तो उसको स्वाभाविक रूप से जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये भी तो आपकी नाकामी है कि आप लीडरशिप तैयार नहीं कर रहे। हाँ, उसी बात पर मैं आ रहा था, मैं तो राजीव गांधी तक ले जा रहा था मसले को, कि राजीव गांधी के समय में 1973 और 74 संशोधन हुआ था, जिसमें पंचायतों में और स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था, जो अब बढ़कर 50% हो गया, करीब करीब देश भर के 18-20 राज्यों में, और 1990 के आसपास ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो 33 साल हो गए। 33 साल में आप वुमेन एम्पावरमेंट नीचे के लेवल पर, पंच के लेवल पर, सरपंच के लेवल पर, पंचायत समिति के लेवल पर, जिला प्रमुख के लेवल पर, नगर निगम के लेवल पर, नगर परिषद के लेवल पर, म्यूनसिपैलिटी के लेवल पर, नगर पालिका के लेवल पर, क्या इतनी महिलाओं को आप खड़ा नहीं कर सके, पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग नहीं कर पाए, इतने मौके नहीं दे पाए कि वो जिला अध्यक्ष तक नहीं बन पाए? ये एक, तो भी, एक भी नहीं है। ये तो राजीव गांधी का जो सपना है उसके खिलाफ जाता है। तो कांग्रेस का जो आप हमेशा कहते हैं कि इनकी बैठकों में कुछ होता है, जैसे टिकट को लेकर बात चल रही है इस बार, और आखिर में अंततः जब फाइनल समय होता है डिक्लेरेशन का, तब फिर कुछ और फैसला होता है, कहीं भटक जाती है कांग्रेस रास्ते में, या फिर वही प्रभाव पुराने नेताओं का, पुराने जो धड़े हैं कांग्रेस के, उन्हीं में एडजस्ट करने की कोशिश होती है? देखिए, वो तो एक शाश्वत वाक्य है जो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, कि वो टिकट तो सबसे पहले जिताऊ को मिलेगा, कि जो सीट निकालने की क्षमता रखता हो, उसके बाद फिर तमाम दूसरी चीज़ें होंगी, तो उस कारण चीज़ें भटक जाती है। बीजेपी में हमने यही देखा है, बीजेपी कौन सी दूध की धुली पार्टी है इस रूप में? परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, राजस्थान में आप ढूंढने चलोगे बराबर का मसला है। हाँ, और केवल कांग्रेस बीजेपी नहीं, देश की सारी पार्टियों में यही स्थिति है, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती। प्रादेशिक पार्टियां तो पूरी परिवारवाद पे खड़ी हुई हैं, मुलायम सिंह ने अपनी सत्ता की विरासत किसको सौंपी?
चाचा को तो सौंपी नहीं, अपने भाई को तो सौंपी नहीं, बेटे को ही सौंपी, सभी जगह ममता का कोई है नहीं आगे पीछे। लालू ने यही किया है, लालू ने यही किया, शरद पवार यही कर रहे थे, पूरी पार्टी का वो इसी वजह से हुआ है। कम से कम राहुल गांधी ने ये हिम्मत तो दिखाई कि पार्टी के अध्यक्ष का बकायदा चुनाव करवाया, पार्टी के बाहर एक वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी है और खुद कोशिश कर रहे हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य है कम से कम उस तरह की पोस्ट पे नहीं। आप दिल्ली में भी देखिए, जब बैठकें होती हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर होती हैं, ये जाते हैं वहां पर, अपने घर भी बैठक बुला सकते हैं लेकिन अपने यहाँ नहीं बुलाते। हालांकि बगल में कुर्सी लगती है राहुल गांधी। नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये मल्लिकार्जुन खड़गे के पावर सेंटर शिफ्ट हो गया है, पावर सेंटर शिफ्ट किया है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप रखा है। हाँ, ये अच्छी कोशिश, और खड़गे भी जो है पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट के दो इंटरव्यू आ गए विजय जी, एक तो पीटीआई को दिया था, एक हेडलाइंस टूडे को दिया है, टीवी टूडे को दिया है, और दोनों इंटरव्यू में जो बातें वो कही हैं लबोलुआ वही सेम सा है, अशोक गहलोत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई जो मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि कम से कम अशोक गहलोत की तरफ से या खुद नहीं बोलना चाहते, कायदे से तो खुद बोलना चाहिए, और इससे पहले नहले पे दहला मारने की परंपरा सी रही है पिछले 1.5-2 साल में दोनों तरफ से, और जो एक तरफ से तंज कसा जाता था तो दूसरी तरफ से तंज कसा जाता था, अब एक तरफ से मोहब्बत की दुकान खुल रही है तो दूसरी तरफ से अशोक भी शटर ऊपर होना चाहिए, शटर थोड़ा थोड़ा सा होना चाहिए, मुझे लगता है रोशनी आए। हाँ, अशोक गहलोत को एक इस तरह का बयान जारी करके खिड़की तो खोलें। हाँ, तो कुछ तो क्लियर करनी चाहिए थी चीज़ें, लेकिन उससे होता क्या है कि फिर कुछ लोगों में भ्रम फैलना शुरू होता है, और वो बात अभी बड़ी मुश्किल से चीज़ें पटरी पर आती हुई जब दिख रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि क्लाइमेक्स से पहले कोई एंटी क्लाइमेक्स आ गया जो सचिन पायलट लौट के वापस चले गए गुरुग्राम से वापस चले गए। कांग्रेस की सियासत से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाजपा में भी जो है ठीक उसी तरह का फॉर्मूला बनाने की कोशिश एकजुटता का कि पहले आप सत्ता में आइए फिर देखा जाएगा सीएम कौन होगा। जो 2 दिवसीय बैठक हुई सवाई माधोपुर में, ये कहा गया कि राजस्थान में परिवर्तन यात्रा आप निकालिए, हो सकता है एक रथ लेकर वसुंधरा राजे चलें एक संभाग में, एक जगह शेखावाटी में राजेंद्र राठौड़ और एक जगह सीपी जोशी, तीनों के साथ वरिष्ठ नेता या केंद्रीय मंत्री हों, और फिर एक मिलकर जो एक यूनिट के तौर पर दिखें, और फिर जो सीटें आएंगी उसके हिसाब से फिर मुख्यमंत्री का चयन, जो एक परंपरा है। इंटरनल सर्वे उनका 160 सीटें जो हैं वो दे रहा है भाजपा को। पहले तो ये बताइए, क्या ये फॉर्मूला ठीक है कि तीन रथ रवाना हो, क्योंकि हमेशा एक रथ ही निकलता रहा है, यहाँ पर तीन रथ जाएं और फिर तीनों रथ कोशिश करें कि मिलकर एक टीम बनाएं। देखिए, पहले तो 160 पे बात कर लेते हैं। आपने कहा बीजेपी को इंटरनल सर्वे 160 दे रहा है, मेरे पास 2-3 दिन पहले कांग्रेस के एक नेता की तरफ से एक व्हाट्सअप आया जिसमें से 115 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, 60-65 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। कल मुझे जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर एक बंदे ने भेजा कि सर फलोदी का सट्टा मार्केट देख लीजिए, आज तो 170 हो गया है बीजेपी के पक्ष में, 170 हो गया है। तो ये चीज मेरे पास कांग्रेस का एक सर्वे है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इंटरनल सर्वे में कांग्रेस के पास 70 सीटें अपने इंटरनल सर्वे में सचिन पायलट की वापसी के बाद। अच्छा, तो इंटरनल सर्वे भी बहुमत में नहीं आ पा रहा। जहां तक बीजेपी की आप बात की, तो 3 यात्राएं निकालिए, 4 निकालिए, धार्मिक स्थल से निकालिए, कहीं और से निकालिए, लेकिन उस यात्रा में आप बोलेंगे क्या, आपका एजेंडा क्या रहेगा। तो रणथंभौर की 2 दिन की बैठक का निचोड़ जो मैं पढ़ रहा था अखबारों में, उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि एक महंगाई राहत शिविर, अशोक गहलोत की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं, इसका तोड़ बीजेपी को लगता है कि निकाला जाना बहुत ज़रूरी हो गया। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करके चले गए, वो बीजेपी के जो जमीनी स्तर के नेता है, मुद्दा तो है वो, लेकिन बीजेपी के जमीनी स्तर के नेता जानते हैं कि खुद के भी छल्ली में छेद हैं, तो उसका मुकाबला उस रूप में दामन पर दाग यहाँ भी है। और एक दूसरा उसमें ये भी चर्चा हुई कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जब अब दोस्ती होगी तो अब क्या तोड़ निकाला जाए। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि सचिन पायलट का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, या कुछ भी जो भी अलग बातें कही गई, या वैसे सच्ची में तो ऊपरी दोस्ती या अंदर अंदर दोस्ती नहीं हो पाएगी, लेकिन एक डर है, एक आशंका है। तो आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी के पास 5 साल विपक्ष में रहने के नाते उन्होंने एक सक्षम विपक्ष की भूमिका निभाई, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। गिनाने के लिए या तो 9 साल की प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं,
बस वही है, वही है, और उसके अलावा कोई तोड़ भी नहीं निकाल पा रहे वो। यहाँ तो कांग्रेस ज्यादा सड़कों पर रही है, महंगाई राहत शिविर का विरोध तो कर नहीं सकते, मदन दिलावर जैसे कुछ लोगों ने अति उत्साह में चला नहीं किया था, चला नहीं, और वो उल्टा पड़ रहा था। अभी किसी गरीब की जेब में दो पैसे जा रहे हैं और आप कहते सब गलत तरीके से जा रहे हैं, तो वो गरीब कहेगा कि मेरे गलत जा रहे हैं सही जा रहे हैं, मेरे पास तो आ रहे हैं पैसे। अशोक गहलोत फिर एक लाभार्थी कार्यक्रम में थे और आज तो हजार करोड़ रुपया कुछ हजार करोड़ से ज्यादा की राशि उन्होंने डायरेक्ट खातों में डाली है, और एक बयान उनका मंच से बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार का मुकाबला हमारी सिंगल इंजन सरकार कर रही है। तो सिंगल इंजन डबल इंजन पे भारी है राजस्थान में हाल फिलहाल तो ये लग रहा है। देखिए डबल इंजन अब जुमला बन के रह गया है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं डबल इंजन, जनता नकार देती है, हिमाचल में जाके कहा डबल इंजन, ये हर जगह बोलते हैं, जनता ने क्या कहा नहीं चाहिए डबल इंजन, हमें नहीं चाहिए, और कर्नाटक में कहा डबल इंजन, वहां की जनता ने नकार दिया, वहां तो एक तरह से धमकाया गया था इनडायरेक्ट रूप में कि अगर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद तब मिलेगा जब सरकार बनेगी, तो वो डबल इंजन वाला फॉर्मूला बैठ नहीं रहा उस रूप में। और अशोक गहलोत को तंज करने का एक मौका मिला है, उनको लग रहा है सिंगल, अब तो हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो ट्रिपल इंजन हो गया है, अब बस दिक्कत यह है कि एक इंजन इधर लगा है, दो इंजन इधर लगे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, या वो कह रहे हैं ऑटो रिक्शा वाली सरकार हो गई है, तीन टायर वाली, हाँ, तो ये मजाक उड़ना शुरू हो गया। बिल्कुल ज्यादा मजाक हम लोगों को नहीं उड़ाना चाहिए बीजेपी का। एक टमाटर बेचारा बेच रहा था, उसने लूट ना ले लो दुकान तो बाउंसर रख लिए थे, उसके खिलाफ ऐसी ऐसी गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं, आपको हंसी आएगी, धार्मिक वैमनस्य से फैलाने का आरोप, समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप, इस तरह के आरोप लग गए हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना, समाज में खाई बढ़ रही है। हाँ, लेकिन ये तो है कि कांग्रेस ज्यादा सड़कों पर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ राजस्थान में, बजाय भाजपा के गहलोत सरकार के खिलाफ। देखिए इसमें मैं बीजेपी की भी गलती नहीं मानता, मोटे तौर पर विपक्ष आमतौर पर आखिरी साल ही सक्रिय होता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि शुरुआती साल में ही सक्रिय हो जाए तो फिर वो दम निकल जाएगा जब तक चुनाव आएंगे तो, और हमारे यहाँ नेगेटिव वोटिंग आमतौर पर होती है, ज़्यादातर टाइम नेगेटिव वोटिंग होती है, तो सत्तारूढ़ पार्टी को हटाने के लिए लोग वोट देते हैं, विपक्ष को सत्ता में लाने के लिए वोट नहीं देते, नकारात्मक वोटिंग के कारण आप डिफेक्टो सत्ता में आ जाते हैं। ये बात बीजेपी पर भी लागू होती है, कांग्रेस पर भी बराबर इसी रूप में लागू होती है, तो उस हिसाब से तो बीजेपी का ठीक ठाक ही रहा है। सतीश पूनिया उतने अच्छे ओरेटर नहीं रहे, उतने अच्छे लोग कहते हैं संगठनकर्ता अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा लेकिन मेहनत तो खूब की, मेहनत उन्होंने की, वो तालमेल बेहतर नहीं बना पाए। सीपी जोशी तो मुझे लग रहा है कि वो पर्सनैलिटी उसकी उस रूप में जैसा चाहते हैं लोग। अब बीजेपी की दिक्कत क्या है कि बीजेपी के सामने नरेंद्र मोदी है, एक महानायक है, नायक कोई नहीं है, तो उसके नीचे अब सीपी जोशी हो चाहे लोग क्या मुकाबला कर पाएंगे। नहीं अमिताभ के साथ शशि कपूर भी चाहिए, विनोद खन्ना भी चाहिए, थोड़ा सा एक वो राजस्थान में भी एक लीडरशिप तो चाहिए जो फेस वैल्यू हो। आप नेता जाए नहीं, लोग कंपेयर करना जब शुरू करते हैं। नहीं कांग्रेस के पास जैसे अशोक गहलोत के अलावा डोटासरा एक नेता है, सचिन पायलट एक नेता है, रघु शर्मा है, इस तरह के चेहरे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास बोलने में वो बहुत मुखर है, लेकिन कुल मिलाकर गलतियां कांग्रेस की भी बहुत है। आखिरी साल में आप जब चुनाव सर पर हैं तब आपके संगठन का गठन हो रहा है, जिलाध्यक्ष नहीं थे, ये कम चुनौती नहीं है, पूरे 5 साल आपने लड़ते हुए बिताए, ये भी एक बड़ा संकट रहा है। कांग्रेस खेमों में बंटी हुई कांग्रेस है, ये सत्ता में है तो कुछ चीज़ें उस तौर पर नहीं दिखती हैं कि बहुत सारे लोग एडजस्ट कर जाते हैं, सिवाय पायलट के बाकी लोगों ने एडजस्ट किया है, खुलकर नहीं बोले हैं, तो कमियां तो यहां भी हैं। और वसुंधरा राजे का पिछला कार्यकाल आपने देखा, वो बाहर थी 4 साल 5 साल आई थी और माहौल बना दिया था, उस तरह का वैक्यूम बीजेपी में जरूर है। जी हाँ, और उस समय अशोक गहलोत कहते थे NRI मुख्यमंत्री है, हाँ, तो ये तंज कसते थे कि NRI मुख्यमंत्री है वसुंधरा। हाँ। आपने ये बात ठीक की, कांग्रेस की पहले साल में ये सब नियुक्तियां हो जाती, तो अब 4 साल में ये लोग थोड़े मंझ जाते और पार्टी को भी पता लग जाता इसमें से कितने नेता हैं जो आगे जाने का मादा रखते हैं। आप फिर आप एक स्वस्थ कंपटीशन चला सकते थे कि भाई मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने अच्छा काम नहीं किया तो संगठन में भेज दिया जाएगा, और संगठन में जिन लोगों ने बेहतर काम किया तो उनको संगठन से मंत्रिमंडल में ले दिया जाएगा, तो एक स्वस्थ प्रतियोगिता होती, इससे एक लीडरशिप निकल कर आती। लेकिन यहाँ कई विधायकों को आप ये बताइए, विधायक अपने आप में एक पूर्ण पोस्ट है, उसके पास बहुत सारा काम है, विधानसभा का है, चुनाव में भी सक्रिय तौर पर उसे लगना है,
उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देने का क्या तुक है? बहुत सारे विधायकों को एडजस्ट किया गया, जयपुर ग्रामीण का गोपाल मीणा को बनाया गया है, अमित चाचाण है उन्हें महासचिव बनाया गया है, कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनको एडजस्ट किया गया। आपको नहीं लगता कि इसकी बजाय अच्छे काबिल युवा चेहरे या अनुभवी चेहरे आते तो ज़्यादा बेहतर विस्तार हो पाता? नहीं नहीं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि आप विधायक हैं, विधायक का काम विधानसभा में जाना है, विधानसभा का काम कानून बनाना है, नाली बनाना, सड़क बनाना ये काम नहीं है। बेसिक काम विधानसभा का सड़क बना, ये कानून बनाना है। म्युनिसिपैलिटी के लोगों का काम है नाली बनाना, लेकिन यहाँ पर सारा गड़बड़ है, सब उल्टा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो एक विधायक है, आपने सही कहा कि उसका काम वहीं तक सीमित रहना चाहिए, और सरकार की नीतियाँ अच्छी बने, कानून अच्छे बने, ये बात विधायक को ध्यान में रखनी है, मंत्रियों को ध्यान में रखनी है। उनके कामकाज को कार्यकर्ता तक और कार्यकर्ता से आम जनता तक पहुंचाया जाए, ये काम संगठन को करना है, जैसे बीजेपी करती है। लेकिन कांग्रेस में गड़बड़ है, कांग्रेस में तो वो लोग चाहते हैं कि भाई इस जेब में भी टॉफी आ जाए, इस जेब में लड्डू आ जाए, इस वाली में बड़ी चॉकलेट रहे, हाँ, और कुछ नहीं है तो कोई। लेकिन ये जगह रोक कर रखना भी बड़ा नुकसानदायक, लॉन्ग टाइम में बड़ा नुकसान होता है। और विधायक, मेरा ये मानना है कि वो अब अपने विधानसभा क्षेत्र में ही पूरी ताकत लगाएगा, संगठन का काम वो फिलहाल नहीं कर सकता है। और कांग्रेस ने जो कुछ फेरबदल करने की कोशिश की है, अभी तो वो टिकट उसका मिल जाए, टिकट मिल जाए, इसमें लगेगा। और जो एक दौड़ कहें, रेस कहें सीएम पद की, कांग्रेस में भी ठीक वैसी ही दौड़ अब भाजपा में भी शुरू होगी, और एक तरीके से खेला अब शुरू हो गया है। और अशोक गहलोत वापस एक्टिव हुए, हालांकि पैर पर उनके अभी भी प्लास्टर है, और वो जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि वो सक्रिय तौर पर फिर से दिखेंगे सूबे के। कुल मिला के मुझे लगता है राजस्थान का चुनाव बहुत टाइम बाद बड़ा रोचक होने जा रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, बड़ा रोचक, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, और मुझे लगता है एक तरफा नहीं रहेगा ऐसा लगता है मुझे आज की तारीख में, 162 वाली स्थिति नहीं रहेगी, नहीं मुझे नहीं लगता। चलिए, हमारी नज़र बनी रहेगी और रोजाना हम इस खबरों को लेकर, खबरों का विश्लेषण आपके समक्ष हाजिर होते हैं सियासी चौक में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।